अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट पर टूटा है दुखों का पहाड़। ऐसी महान शख्सियत का हुआ निधन, नाम सुनकर आपके भी आंखों में आ जाएंगे आंसू। तो आखिर क्या है दिल चीर देने वाली घटना और कैसे उनका देहांत बनेगा? भारतीय टीम की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार की वजह, कौन है वो भारतीय टीम का अटूट हिस्सा, सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से सबसे महान खिलाड़ी कौन है और कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का रोमांच अपने चरम पर है। अपने घर पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को जमकर मजा चखा रही है। नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने एक पारी और 132 रनों से जीत हासिल की थी। वहीं दिल्ली में आयोजित मुकाबले में भी टीम इंडिया का डंका बजा था और उसे 6 विकेट से जीत हासिल हुई थी। भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज उमेश यादव भी टीम का पार्ट है, लेकिन उन्हें पहले दो मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इन सबके बीच 1 मार्च से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले ऐसी दुखद खबर निकल कर आई है जो आपके दिल के भी हजार टुकड़े कर देगा। दरअसल उमेश यादव के पिता तिलक यादव का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। तिलक यादव पिछले कुछ महीनों से बीमार थे, जिसके चलते उनका ट्रीटमेंट नागपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे घर लाया गया, जहां उनकी बुधवार शाम को मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उमेश के पिता कोई छोटी हस्ती नहीं है। उमेश के पिता तिलक यादव अपने युवावस्था में एक नामी पहलवान हुआ करते थे, जिन्होंने अपने जीवन भर में बहुत नाम कमाया है। लेकिन अब उमेश यादव के पिता उनका साथ छोड़ चुके हैं और इसी के साथ उमेश यादव की टीम इंडिया के साथ छोड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, उमेश यादव का बाहर होना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये गेंदबाज चुटकियों में मुकाबला पलटने की क्षमता रखता है और हिंदुस्तान की पिच पर अपनी खौफनाक रफ्तार से ये और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। परंतु उमेश पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उसके बाद पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सांत्वना दे रहा है। तो दोस्तों, आप भी जाने से पहले उमेश यादव के लिए एक कॉमेंट और लाइक जरूर करिएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।